एक शख्स रात को 100 नफल पढ़ लेता है, लेकिन सुबह उठ के किसी का हक गसब करता है, किसी को गाली देता है, झूठ बोलता है, कम तोलता है, कम नापता है, अल्लाह के हकाम को तोड़ता है, और दूसरा शख्स सारी रात इशा की नमाज के बाद सोया रहा और दिन को फजर के बाद उसने झूठ नहीं बोला, किसी को तंग नहीं किया, अल्लाह की मखलूक को ज़रर नहीं पहुँचाया, तो शरीयत ऐसे शख्स को पसंद करती है जो अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जाए, नेकी की तौफीक मिल जाए, नफली इबादात मुयस्सर आ जाएं तो बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बचा जाए।